सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर मोस्ट वेलकम टू लेवल अप विद जीके जी। जीके जी यानी मैं, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मुझे ये समझ में नहीं आता कि सज्जनी और सज्जनों क्यों नहीं होता, या देवी और देवता होना चाहिए। चलो, ये कॉन्सेप्ट क्या है, हमारी मैथमेटिक्स से परे है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम स्किप कर देंगे अभी, और हम अपना जो एवरेज चैप्टर रह गया था उसमें दो तीन टॉपिक जो है वो काफ़ी मेन है और वो आते भी हैं, तो उसे हम करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। उसके लिए क्या है, अलग अलग क्वेश्चन है, उस जिसके लिए पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था उसी के इर्द गिर्द घूमता है वो। तो मैंने सोचा कि आपको करा देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। तो सवाल है, द एवरेज ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए और बी इज 15,050। जो ए और बी की एक महीने की एवरेज इनकम है वो है 15,050। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ बी एंड सी इज 15,350 और एवरेज ए और सी इज 15,200। द मंथली इनकम ऑफ ए इज, देखो अब देखिए क्या है इसमें, ये दो बंदे साथ में लिए हुए, बंदे तो तीन ही है लेकिन दो बंदे के साथ में लेके उन्होंने दिखा रखा है कि एवरेज मंथली इनकम। हम बात करते हैं क्या, हम बात करेंगे ए प्लस बी की मंथली एवरेज इनकम कितनी है, 15,050। बी और सी की कितनी है, 15,350। और सी और ए की कितनी है, वो है 15,200। क्लियर। देखिएगा, मैं थोड़ा सा रिवीजन आपका करा देता हूँ। हमारे पास क्या था, औसत का फॉर्मूला था हमारे पास, औसत या एवरेज, एवरेज या फिर औसत का फॉर्मूला क्या था कि पद का योग या फिर सम ऑफ नंबर्स मतलब पद का योग बटे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि जितने पद हैं उनकी संख्या, ये हमारे पास था फॉर्मूला। अब क्या है, अगर हमें क्या निकालना है, सम ऑफ नंबर्स ये निकालना है, तो क्या होगा, ये इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो मतलब कि एवरेज गुणा नंबर ऑफ टर्म्स बराबर हो जाता है सम ऑफ टर्म्स। मतलब अगर हमें पद का योग निकालना है तो औसत की गुणा पद की संख्या से गुणा कर दो। देखो यहाँ देखते हैं क्या हुआ, देखो ये क्या है, ए और बी का ये एवरेज दिया हुआ है, ये क्या है एवरेज, ये सब एवरेज दिया हुआ है, ठीक है। पद कितने हैं, दो है, टर्म्स कितनी है, दो है, ए और बी दो टर्म्स है। अगर हमें इसका जोड़ निकालना हो, मतलब ए जितना कमाता है और बी जितना कमाता है, दोनों को अगर हम जोड़ लें, तो ये क्या है, ये गुणा दो करना पड़ेगा, यहाँ यहाँ पे भी दो गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे भी दो गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बी और सी जितना कमाते हैं उसकी ये एवरेज है, एवरेज की दो से गुणा कर दी। ऐसे ही सी और ए कितना कमाते हैं, जो एवरेज है उसकी दो से गुणा कर दी। क्यों दो से गुणा करी, क्योंकि ये दो बंदे हैं, प्रत्येक पे इतना आ रहा है, एवरेज का मतलब क्या था, प्रत्येक, मैंने बताया था प्रत्येक पे जितना आता है वो एवरेज होता है, तो प्रत्येक पे इतना आ रहा है तो दो पे कितना आएगा, तो ये इसका सम हो जाएगा, ठीक है। अब हम सवाल में आगे की तरफ बढ़ते हैं, पहले हम देखते हैं इसने क्या पूछा हुआ। द मंथली इनकम ऑफ ए इज, ए के बारे में पूछा हुआ है। अब देखिएगा ध्यान से, अगर मैं जोड़ लूँ, देखो मैं आपको पूरा खोल के बता देता हूँ, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर, ये मैंने जोड़ दिया सारे को, तीनों को जोड़ लिया मैंने, ठीक है, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, ये जोड़ लिया मैंने। अब इधर क्या आएगा, देखिएगा इधर क्या आएगा, इधर आएगा 2×15,050 प्लस 2×15,350 प्लस 2×
15200 मुझे खोल के बताना पड़ रहा है, यो खोल के बताना पड़ रहा है। देखो यहाँ से दो 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 हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि दो कॉमन ले लिया और 15050 प्लस 15350 प्लस 15200 ठीक है, ये हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हम देखेंगे तो दो कॉमन आ जाएगा, दो ए है, दो बी है, दो सी है कि नहीं, बात समझ में आई। अब क्या है, देखो ये दो जो है ये बराबर से दूसरी तरफ जाएगा तो ये बटे में जाएगा, इसका मतलब ये दो दो से कट जाएगा, क्लियर। अब इधर देखें तो 15 15 15 15 थी 45, 50 350 400 और 2 600, मतलब कि 15 345 45 600 इनका जोड़ आ गया। और ये क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया इतना। अब हमें ए का निकालना था, ए का मंथली सैलरी निकालनी थी। देखो हमें पता चल गया ए प्लस बी प्लस सी कितना है, इतना। अब हमें इनमें से कौन सा उठाना है, देखो ध्यान दीजिएगा, जिसका उठाना है वो नहीं होना चाहिए उसमें। देखो इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो हम ये वाला उठाएंगे, ठीक है। तो बी प्लस सी की कितनी इनकम है एक महीने की, अगर हम दोनों को ये सॉल्व करें 15350 की दो से गुणा करें तो क्या आएगा, देखो मैं गुणा करने का तरीका बता देता हूँ आपको, क्या है 15 दूनी 30, 350 दूनी 70, मतलब कि 30700 ये आया इनका मंथली इनकम, किसका, बी और सी का। तो बी और सी क्या है, हम यहाँ लिख देंगे, अगर 700 कितना है 30700, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 30700, ए प्लस 30700 बराबर 15600, समझ में आई। तो ए की वैल्यू क्या निकलेगी, देखो मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ, जब ये 30700 दूसरी तरफ जाएगा तो घटा में हो जाएगा, और ये इसमें से घटेगा तो ए की वैल्यू हो जाएगी 45600 में से घटाना है 30700, तो कितना आ गया, ये आ गया 4900 रुपये इसकी मंथली सैलरी आ जाएगी। पैंतालीस हजार छः सौ में से 30700 घटेंगे तो कितना आएगा, 14900 इसका आ जाएगा उत्तर। तो ऐसे करना है, हमने इसमें क्या किया, उसने दे रखा है ए प्लस बी की एवरेज इनकम दे रखी है, बी प्लस सी की एवरेज इनकम दे रखी है, सी प्लस ए की एवरेज इनकम दे रखी है। अगर एवरेज इनकम दे रखी है तो हम पद से गुणा करके उसका क्या निकाल लेंगे, योग, मतलब कि ए प्लस बी का एक महीने की इनकम का योग कितना हो गया, मतलब जितना ए कमाता है एक महीने में प्लस जितना बी कमाता है एक महीने में, वो कितना हो गया 15050 गुणा दो। ऐसे ही हमने बी प्लस सी के साथ करा, सी प्लस ए के साथ करा, और ये सारे के सारे इन तीनों का जोड़ जो है हमने जोड़ लिया और नीचे लिख लिया। ऐसे ही इधर दूसरी तरफ का जोड़ हमने जोड़ लिया और दूसरी तरफ लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये दो ए है, एक ए यहाँ पे है, एक ए यहाँ पे है, तो ये आ जाएगा 2a + 2b + 2c। तो ऐसा आने के बाद हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेने के बाद ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। इधर भी क्या है, 2 कॉमन आ जाता है, तो इन्हें तीनों को जोड़ने के बाद फिर हमारे पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी, ये दो से दो कट गया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 45600। ध्यान देने वाली क्या बात है, हमें क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें ए की वैल्यू निकालना है तो हमें वो वाला उठाना पड़ेगा जिसमें ए नहीं है, इस वाले में ए नहीं है, तो हमने ये उठा के बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ रख ली और ए जो है वो अकेला रह गया, ए की वैल्यू हमने ऐसे निकाल दी। देखो ये वाला सवाल समझाने के लिए
इतना लॉन्ग पड़ जाता है, लेकिन अगर आप इसे 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो इसके 4-5 स्टेप आप हटा दोगे। वैसे क्या आप ए प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट निकाल लोगे क्या? ये तीनों जोड़ के जो एवरेज है वो आप तीनों जोड़ दें। क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये जो दो है ये क्या है, ये बाद में कट जाता है दोनों का आगे। तो 15 × 3 = 45 और क्या है 50, 350, 400 प्लस 200, तो ये कितना आ गया 45, 600 आ गया। अब आपको क्या देखना है कि ए बी प्लस सी कितना दिया हुआ है सवाल में। बी प्लस सी कितना दिया हुआ है 15, 350 दिया हुआ है, ठीक है 15, 350 इसका एवरेज दिया हुआ है। तो हम इसे 2 से गुणा करके इसमें से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 30,700। इसमें से घटा लेंगे तो सीधा हमारा ए का वैल्यू निकल जाएगी। तो एग्ज़ाम में आपको इस तरह से करना है, तो स्टेप बाई स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें वहाँ पे ऑप्शन चाहिए होता है, बस डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल हमारा क्या बोल रहा है, वो देख वो बोल रहा है कि एवरेज ऑफ 17 रिजल्ट का कितना है 60 है। तो पहले 9 का कितना बताया हुआ है उसने 57 और बाद के 9 का बताया हुआ है 65, तो 9वें रिजल्ट की क्या वैल्यू होगी, ये सवाल है। ठीक है, ये आपको मैं समझा देता हूँ। एक बात समझ लीजिए, ये सवाल क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसा सवाल आ जाता है। अब देखो वो क्या कह रहा है, इसका शॉर्टकट तरीका भी मैं बताऊंगा। तो वो बोल रहा है कि एवरेज ऑफ 17 रिजल्ट का कितना है 60 है, जिसमें से पहले 9 का कितना है। अब हम लिखते हैं मान लो 1 से लेके 9 तक कितना है 57 और आखिरी 9 का कितना है, देखो अगर हम ले यहाँ पे 17, तो 9 से 17 का कितना है, ध्यान से देखिएगा कि 9 से 17 का कितना दिया हुआ है, उन्होंने दिया हुआ है 65 और जो पूरे हैं 17 डिजिट उनका दिया हुआ है 60। जब ऐसा सवाल आएगा तो आपसे क्या पूछेगा, जो ये दो बार लिया हुआ है, इसने दो बार ये ले लिया, ठीक है, ये पूछेगा इसी का ही हमेशा ये पूछेगा इसकी वैल्यू क्या है। देखो सवाल में फिर समझा देता हूँ, 1 से लेकर 9 तक का औसत जो है वो 57 है और 9 से लेके 17 तक उनका जो औसत है वो 65 है और जो टोटल है मतलब 1 से लेके 17 का जो औसत है वो कितना है 60 है। तो हमें क्या बताना है, ये जो 9वां है, ये 9वां डिजिट है वो कौन सी है। तो इसे बताने का देखो एक सीधा सा तरीका है, क्या है, 1 से 9 तक का हम क्या निकाल लेते हैं जोड़। तो 1 से 9 तक का जोड़ कितना हो गया, मतलब सम ऑफ टर्म्स 1 to 9, तो कितना हो गया 1 से 9 तक का, अगर हम 57 की गुणा, 57 क्या है एवरेज, ये हो गया एवरेज, एवरेज की गुणा नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि पदों की संख्या से करें तो इसका योग निकल के आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये 9 से मैंने गुणा कर दिया, ठीक है, अभी मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। 9 से 17 तक का योग कितना हो गया, मैंने लिख दिया यहाँ पे 9 से 17 तक का कितना हो गया 65 गुणा 9, क्योंकि ये 9 डिजिट है, नंबर ऑफ टर्म से गुणा कर दी। अब देखिएगा जब हम इन्हें जोड़ेंगे, ठीक है, देखो जब इन्हें जोड़ेंगे तो क्या है, ये 9 कॉमन आ जाएगा, तो 9 में ऑलरेडी कॉमन लिख देता हूँ, तो 7, 5, 12 का 2 हासिल लेख, तो कितना आ गया 122 गुणा 9, ठीक है, ये किसका आया 1 से लेके 9 तक का प्लस 9 से लेके 17 तक का, ये आया जिसमें कि 9 दो बार है। इधर की बात करते हैं, ये क्या है इसका 60 एवरेज है, इसका मतलब 1 से लेके 17 तक का योग क्या होगा, 1 से लेके 17 तक का टोटल योग कितना होगा 60 की गुणा 60 जो कि हमारा औसत है वो 17 से करेंगे, 17 × 102 102 और एक जीरो जो ऊपर वाली है वो चिपका दी। यहाँ देखते हैं
एक से लेके 17 तक का कितना योग आएगा, जिसमें कि 9 दो बार है, तो कितना जाएगा, 9 दुनिया 18 हासिल 1, 9 एकम 9 और 10, ये कितना आ गया, 10 98 आ गया। ठीक है, अब आता है इसमें मेन चीज़, ये कितना आया, 10 98 योग आया 1 से लेकर 17 तक, जिसमें 9 दो बार है, ये आया 1 से लेकर 17 तक, जिसमें जो आया 10 2 0, मतलब कि ये यहाँ पे सब एक बार है, 9 भी एक बार है, तो इसका मतलब जो 9 दो बार लिया हुआ है वो इसमें एक्स्ट्रा है, तो क्या करेंगे, इस वाले में से ये वाला घटा देंगे, तो घटाने के बाद क्या आएगा, देखो तो यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है, जिसमें दो बार आया है 9, इसमें दो बार ले लिया, तो इसमें से घटाना है ये वाला, जिससे कि 9 की वैल्यू आ जाएगी, तो ये कितना है, 10 98 में से मैं 10 20 घटाऊंगा, तो कितना आएगा, 8 9 में 2 7 78, इसका मतलब क्या हुआ, 9वां जो डिजिट था, 9th टर्म 9वां पद क्या था, 98। इज दैट क्लियर, 9वां पद 98 आ गया। हमने क्या किया, जो एवरेज है 1 से लेकर 9 तक का हमने योग निकाला, 9 से लेकर 17 तक का योग निकाला, कैसे योग निकाला, 9 से गुणा कर दी दोनों, ठीक है, दोनों जो योग निकाला 9 कॉमन लिया और दोनों को जोड़ दिया, इसका मतलब 1 से लेकर 9 प्लस 9 से लेकर 17 कितना आ गया, योग 10 98 आ गया। इसका मतलब क्या है, 9 जो है, ये वाला जो 9 है, ये देखो दो बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमने दो बार जोड़ लिया, लेकिन यहाँ पे क्या है, सब एक बार जोड़ा, इसलिए क्या है, जो इसका योग आया, जो इसका सम ऑफ टर्म्स आया, वो कितना आया, 10 20, तो जो ये वाला है जिसमें 9 दो बार ले लिया था, इसमें से हम ये वाला घटा देंगे, तो हमने ऐसे ही किया, 10 98 में से 10 20 घटा दिया, तो ये आ गया 9th टर्म हमारी आ गई। देखो जो मैं ये सवाल करा रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा आते ही आते हैं और सारे के सारे प्रीवियस ईयर के, तो आप इनका क्या क्या कीजिएगा, आपको करना क्या है, देखो जो मैं सवाल करा रहा हूँ इनका क्या है, स्क्रीनशॉट लेना है बारी बारी से, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको 1 से 2 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, बस और कुछ नहीं, आपका जो एवरेज चैप्टर पूरा हो जाएगा। एवरेज का मतलब क्या बताया था मैंने, सबको बराबर बराबर बांटना, कोई भी मतलब किसी को भी नाराज नहीं करना है, सबको बराबर बराबर देना है, जो बराबर बराबर जितना दिया सबको वही एवरेज है, छोटी सी बात, सिंपल बात, ठीक है।